सो हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरकत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कनाडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट प्रीपेयर्स के बारे में। वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर या फिर मेरी वीडियो डेली देखते हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। पीपीआर फॉर माय हस्बैंड फाइल अप्लाई डेट है 1 मार्च 2022 की। बायोमेट्रिक अपडेट हुए थे इनके 7 मार्च को। अपफ्रंट मेडिकल था इनका 20 जून का। वेब फॉर्म रेज्ड किया इन्होंने एंड उसके बाद एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इनको 29 जून को मिली। डॉक्यूमेंट सबमिट इन्होंने 12 जुलाई को करे। मेडिकल अपडेट 22 जुलाई को हुआ एंड 25 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई थी। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन। माय ओपन वर्क परमिट एप्लीकेशन सीरीज W3064 की सीरीज थी। फाइल सबमिट डेट 30 दिसंबर 2021 एंड रिव्यू स्टार्ट हुआ था इनका 26 मार्च 2022 को एंड 26 जुलाई 2022 को ही इनको पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी आज की पीपीआर। जो आज की पीपीआर हैं 28 फरवरी 2022 की टाइमलाइन है। 28 फरवरी को ही इनकी सबमिशन कंफर्मेशन हुई। 28 फरवरी को इनके बायोमेट्रिक भी अपडेट हो गए थे। 29 जून 2022 को इनको रिक्वेस्ट लेटर आया। 27 जुलाई 2022 को कॉरेस्पॉन्डेंस लेटर आया एंड 27 जुलाई को ही इनको पीपीआर मिल गई। बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 9 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। 9 मार्च 2022 को ही सबमिशन कंफर्मेशन हुई। 9 मार्च को ही बायोमेट्रिक अपडेट हो गए एंड 27 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन। माय पीपीआर गॉट टुडे किड्स विजिटर वीजा। माय टाइमलाइन एप्लीकेशन डेट है 26 फरवरी की। रिव्यू स्टार्ट हुआ इनका 20 जून को। एडीआर इनको 29 जून 2022 को मिली थी। 4 जुलाई को डॉक्यूमेंट सबमिट किए। 20 जुलाई को मेडिकल रिक्वेस्ट आई। 22 जुलाई को इन्होंने मेडिकल करवाया। 26 जुलाई को मेडिकल अपडेट हो गया एंड 27 जुलाई को पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन। फाइनली गॉट माय वीजा। 9 मार्च 2022 की एक और टाइमलाइन है। 15 मार्च को बायोमेट्रिक हुए थे। स्पाउस ओपन वर्क परमिट की फाइल थी। इनके फंड थे वो 8 लाख के थे। सीए सर्टिफिकेट लगाया उन्होंने। कनाडा बैंक स्टेटमेंट में $20,000 शो किए थे एंड 27 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 9 मार्च 2022 की तीसरी टाइमलाइन है। रिव्यू स्टार्ट इनका 14 जून को हुआ था एंड 27 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो उसके बाद करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन जो 9 फरवरी 2022 की टाइमलाइन है। 9 फरवरी को ही इनके बायोमेट्रिक अपडेट हो गए थे। 28 जून को इनको एडीआर आई थी एंड 27 जुलाई 2022 को मतलब आज इनको फाइनली पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन। एप्लीकेशन सबमिट 1 मार्च 2021 की। 4 मार्च 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए थे। अपफ्रंट मेडिकल अपडेट इनका 26 मार्च 2021 को हुआ था। मेडिकल इन्होंने विदाउट मेडिकल रिक्वेस्ट करवाया था 22 जनवरी को। री मेडिकल अपडेट हुआ इनका 4 मार्च 2022 को एंड फाइनली 25 जुलाई 2022 को इनको पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन। फाइनली पीपीआर आ गई। वीरे तू बहुत ज्यादा हौसला देता। 2 रिफ्यूजल थी इनकी पहले। 9 अक्टूबर 2021 की फाइल थी। मेडिकल इनका 2 पहले ही करवाया था एंड बैक फॉर्म 3 बार अप्लाई किया था एंड आज इनको 27 जुलाई 2022 को पीपीआर मिल गई। सो नेक्स्ट बात करते हैं हमारी अगली टाइमलाइन। 26 मार्च 2022 की टाइमलाइन है। अपफ्रंट मेडिकल था इनका। रिव्यू स्टार्ट 24 जून 2022 को हुआ था। 7 अगस्त को इनका एक्सपायर होना था एंड उसके बाद फाइनली आज इनको 27 जुलाई 2022 को मेडिकल रिक्वेस्ट मिल गई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो लाइक करके आना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अगर नए व्यूअर्स चैनल पर या मेरी वीडियो डेली देखते हो बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बहुत गलत बात है। तो गाइस, छोटी सी रिक्वेस्ट के नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप कर दो। सो मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत सारी डीपीएस के साथ। टिल देन, बाय बाय।